चलो शमन, उस बात से छुटकारा हासिल करो जो तुमने दिल में रखी है। उसका सर कलम नहीं किया जिसने हमारे सिपाहियों का खून बहाया, हमारे एलची को कत्ल किया, उसकी मेज पर बैठ गए, उसके बच्चे की मदद की। अगर उसने अदायगी ना की तो तुम्हें रूहों ने बात करके तबाह कर दिया, दुनिया से तुम दूर हो जाओ। हेलो ये सियासत है, मैंने उसकी पैमाइश की और आप उसे जान गया। अगला काम उसका सर कलम होगा, सब घबरा जाएंगे, उन पर और ज्यादा महसूल लगाकर उसके नीचे कुचल दूंगा, फिर वो चुप जाएंगे और मेरे हुक्म का इंतजार करेंगे जिस तरह भी मैं चाहता हूं। अगर वो अदायगी नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो ऐसा करेंगे, मेरे पास सरदारान की सबसे कीमती चीजें होंगी। अगर उन्होंने मुझे महसूल अदा नहीं किया तो उनकी दुनिया को जानू बना दूंगा। कोकदवाई, इस काम की जिम्मेदारी तुम पर है। बेंगे खातून, ये सब क्या कर रही हैं आप? मुझे लगा अब हम कुछ नहीं करेंगे। चुप रहो इस्मा, खामोश। ये सब तुम्हारी वजह से है इसलिए चुप रहो। ये वालिदा सुल्तान का हुक्म है, फ्रीक को मरना होगा। मैं ये नहीं कर सकती। उसे मारने से तुम्हें खुशी होगी इस्मा, उसके हाथों पर बेगुनाहों का खून है। फ्रीक को मरना होगा, अगर उसने सच बोल दिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अब जल्दी करो, चलो। अब सब ठीक हो जाएगा, जाओ इस्मा। इंसानों का कत्ल, लोगों की जिल्द उतारना और कान काट देना, कफस में बंद करना, हमारा दीन इस बारे में क्या कहता है? वहशत। मगर एक मुसलमान ये करने से काफिर हो सकता है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। तुम बिल्कुल परेशान ना हो राहिबा, मैं ऐसा दुख दूंगा उन्हें जो उन्होंने देखा ना हो। मुसलमानों का खून जो आप बहा रहे हैं आपको जन्नत में लेकर जाएगा कमांडर उलूफ। यसु मसीह भी आप पर रहमत करेंगे, जो आपने ईसाइयत के लिए किया है कमाल है। आमीन आमीन। Oluf!
बस इतनी ताकत है उल्फ? अफसोस हो रहा है, एंथ्रोनिकोस ने फौज की जिम्मेदारी उसको दी जो अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकता। उस्मान बात समझता है इसलिए उससे बात की, लेकिन तुमने मेरे खिलाफ तलवार उठाई ओलिव। जो जबान समझ आए उसी में जवाब देना चाहिए। चलो इसे खिलाओ। अगर खाना ना खाया तो भूखी मर जाओगी। अच्छा तो फिर तुम भूखी रह सकती हो। चलो इसे ले जाओ। खुशामदीद कमांडर नायमान, जब आप इस तरह दाखिल हुए तो तुमने अपनी तलवार निकाल ली। मैंने तुम्हें माफ किया, अगर दोबारा ऐसा किया एनागोल को तुम्हारे खून से नहला दूंगा। मुझे तुम्हारा खत मिला था, तुम्हारी सदाकत से खुशी हुई। हमारी तकदीरें एक जैसी हैं, तुम हमारी तरह लड़ तो सकते हो लेकिन तुम अपने बच्चों के नाम हमारे नामों की तरह नहीं रख सकते। चंगेज खान से तुम्हें इबरत हासिल करनी चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक हो जाएं। अब से सिर्फ तुम मेरे लिए काम करोगे। जो भी जरूरी हुआ कमांडर। उस्मान को छोड़कर तुम तुर्कुत से निपटोगे। तुम फौरन उस पर हमला करोगे। आप फिक्र ना करें, मैं तुर्गुत का दिल उसके सीने से निकाल लूंगा और उसकी आंखें भी। राहिबा इरनी, तुम जाओ, तुम्हें ये सब सुनने की जरूरत नहीं। जाम ओलुफ को सिपाहियों का दस्ता दो, वो ओलुफ से वफादारी का हल्फ उठाएंगे, वो इसके ताबेदार होंगे। मुझे फ्रीक को आजाद कराना है। मैं उसे बचाने के लिए सिपाही दे रहा हूं, क्या ये काफी नहीं?
काफी है कमांडर, लेकिन आप उस्मान के दस्तरखान पे थे। इसका ये मतलब नहीं कि वो मेरा दोस्त है। अगर दोस्त होता भी तो मेरे गजब से नहीं बचता। मैं आपके साथ हूं कमांडर, हम मिलकर उन्हें तबाह कर देंगे। नाकाम नहीं हो नौलव, नाकाम लोगों को मैं मार देता हूं। फरीक ने पैगाम भेजा है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो उस्मान के कबीले में है और वो उसे मुंतकिल कर रहे हैं। कहां? वो तुर्गुत के साथ है और तुर्गुत के कबीले में जा रहे हैं। बहुत खूब, फरीक को हम बचा लेंगे। मैं साबित करूंगा कि मैं ताकतवर हूं। वो देखेगा कि मैं कौन हूं। एक तीर से दो शिकार, सिपाहियों और नौकरों को तैयार करो, हम जा रहे हैं। चलो चलो। इस्मा, क्या उसने खाया? नहीं खाया। मैं जो कोशिश कर सकती थी मैंने वो की। अब हम क्या करेंगे? कोई और चारा नहीं है, फ्रिक को मारना होगा। बेंगे खातून, खवातीन मुख्तलिफ तरह के कपड़े लेकर आई हैं। एक का इंतखाब किया है, आप भी चलिए और चल के देखिए। मुझे तो वही चीज पसंद आएगी जो अलजेक को पसंद आई। वैसे भी अलजेक का शादी का जोड़ा सबसे बेहतरीन होगा। ये जरूर पसंद करेगी, और पहले ही ये बहुत खूबसूरत है। चलिए ना, देखते हैं। तुम क्या काम कर रही हो इस्मा? नहीं, कुछ भी नहीं कर रही, मैंने तो काम खत्म कर दिया है। माइकल, कोरकुत, युवेगी, चलो। मेरे भाई, वो आ रहे हैं। आने दो उन लोगों को। क्या हो रहा है? कौन हो तुम? हमारा रास्ता क्यों रोका है? बताओ इन्हें। चलो चलो। बिस्मिल्लाह। पकड़ लेना ही काफी होगा, कत्ल ना करना इन्हें। इंशाल्लाह मेरे भाई। से हाथ धो बैठोगे।
हम आपको मारने का इरादा नहीं रखते हैं। बिल्कुल सही कहा। अब यह सोना असल मालकान के पास जाएगा और आप कुछ वक्त के लिए हमारे मेहमान बनेंगे। बंद करो, वो सुन लेंगे हमें। ओलुफ तुर्गुत साहब पर हमला करने जा रहा है, बताएं अब हम क्या करेंगे? नायमान ने उसे सिपाही दिए हैं। नहीं, तुर्गुत साहब उन पर हमला करने वाले थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मंगोल सिपाहियों को आते हुए देखा। हमें उन्हें पैगाम भेजना होगा। खुदा आपके इस अमल से हमेशा राजी हो। जो आप कर रहे हैं बहुत नेक अमल है। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। राहिबा एरनी, आपको ढूंढ रहा था। लेकिन क्यों? मेरा मतलब, मैं यहाँ आई थी ताकि मैं इन लोगों के साथ इंजील पढ़ सकूं। जब उनका काम खत्म हो जाएगा तब हम पढ़ेंगे। ये बात नहीं भी कर सकती हैं। ओलुफ इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। चले, उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं कराते, चलते हैं। चले चले। रुक जाएं। ओहो तुर्गुत साहब, जरकुताई ने खबर भेजी है। जी बताएं। तुर्गुत साहब, सुन रहा हूं। नायमान ने ओलुफ को आप पर हमला करने के लिए सिपाही दिए हैं और वो पहुंचने वाले हैं। ओलुफ का ख्याल है कि वो शिकारी है, लेकिन वो शिकार बनने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हाँ। चलो उस कम जर्फ के इस्तकबाल की तैयारी करो सिपाहियों। चलो बहादुरों, चलो। जनाब, क्या है? जनाब, कानूर की तरफ से खबर आई है, नायमान का सोना अब हमारे पास है। अच्छा है, शुक्रिया। उसे कहो मेरे हुक्म का इंतजार करें। जैसे आपका हुक्म जनाब। वालिदा सुल्तान हजरत, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, फ्रेक खातून बहुत ही मजबूत निकली। उन्होंने खाने से भी इनकार कर दिया है। अगर फ्रीक बोली तो उस्मान के साथ मामलात बिगड़ जाएंगे। ऐसा नहीं कि मुझे परवाह है, लेकिन अभी इसका वक्त नहीं आया। बाइंदर, समझ में आई मेरी बात? फ्रीक को खामोश रहना होगा। वो रहेगी वालिदा सुल्तान, आप इसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। उसका ख्याल रखूंगा मैं। आपका खादिम बाइंदर उस फ्रेग नामी सांप को उसी के जहर से हमेशा के लिए खत्म करने जा रहा है। वालिदा सुल्तान, उस्मान साहब आए। आने दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम उस्मान साहब, जल्दी आ गए। नहीं तो
ऐन वक्त पर आया हूं। नायमान से पहले यहां पहुंचने की एक खास वजह है। हमारे सरदारान कहाँ हैं? सरदारान ने रात मेरी हवेली में गुजारी है, वो रास्ते में होंगे। आप कहिए, आपके जल्दी आने की वजह क्या है? ओह, वो कला और यानी शहर अब आपके नहीं रहे। यानी शहर पर अब काई झंडा लहरा रहा है। बहादुर सिपाहियों, हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते, मगर जो हमारा है उसे लेने का वक्त आ गया है। अपने हथियार फेंक दीजिए और यनी शहर को छोड़ दें। कभी नहीं, हम वालिदा सुल्तान के हुक्म के बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। तो फिर तुम तैयार हो जाओ। आग तैमूर, किसी को भी मारने की जरूरत नहीं है, बस गिरफ्तार कर लो। सिपाहियों, पहनो, चलो यहां से। दुर्गो, मैं तुम्हारी जान लेने आया हूँ। ओलो, ताल बनाओ। तीर चलाओ। चलाते रहो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बोलो, भागने का कोई रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। ये वक्त है कि तुम हथियार डाल दो, अब तुम्हारा इख्तिताम करीब है। तुम हथियार डालने वाले हो तुर्गुत, बस तुम देखते जाओ, मेरे सामने घुटने टेक दोगे। हमारे सामने खड़े होने वाले दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। याद रखो, तुर्कों को कोई नहीं झुका सकता, बस तुम देखते जाओ। आलकन खातून इनमें है जनाब। राहिबा पर नजर रखो, ढालें तबाह करने का वक्त आ गया है। चलो बहादुरों, इन्हें जहन्नुम वासिल करें। अल्लाहु अकबर, हक है अल्लाह। हमले के लिए तैयार रहो। या अल्लाह, अल्लाहु अकबर। तैयार रहो। Oh!
रास्ता बनाओ। कुतान अपनी हिफाजत करो। मैं आपको यनी शहर देना चाहती थी मगर आपने नहीं लिया। ये एक मुश्किल वक्त है। हम वैसे ही अपने दुश्मनों की धमकियों की वजह से परेशान हैं। हमें पागल मत बनाइए उस्मान साहब। नाइमान का सोत में कोई जिरगा नहीं होगा, वो सोत ले लेगा। अपनी आंखें खोलिए, ये वक्त बगावत का है क्या? हम हालत जंग में हैं, आपकी गलती की वजह से हमने शिकस्त से शुरुआत की है। अब मैं मैदान में हूं और कयादत संभाल चुका हूं। इसलिए अब आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे वालिदा सुल्तान। जो आपने किया उसकी अदायगी नहीं कर सकते। और ये वक्त है मुत्तहिद होने। चलिए पहले नायमान को कमजोर बनाते हैं, उसके बाद हमारी बात होगी वालिदा सुल्तान। उस्मान, वालिदा सुल्तान मेहमान आ गए। उन्हें अंदर आने दो। आ जाइए, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद सरदारान। शुक्रिया वालिदा सुल्तान।